हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर निकिता मेहता। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसमेनोरिया के बारे में, यानी कि पीरियड्स के समय जो पेन होता है वो किस वजह से होता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमें करानी चाहिए और होम्योपैथी मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इसे पूरी तरह से निजात पाने में। डिसमेनोरिया यानी पीरियड्स के समय, पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के बाद होने वाला ऐसा दर्द जो आपकी डेली रूटीन को प्रभावित करता है या इनटॉलरेबल हो जाता है, तो हम इसे डिसमेनोरिया की कंडीशन में रखते हैं। अगर हम कारणों पर विचार करें तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई कारण नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कई बार न्यूट्रिशन डाइट की वजह से भी पेन देखने को मिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रॉइड, PID, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस। ये जो डिजीज़ है इनके अंदर भी पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि आपको पीरियड्स का पेन काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेडिसिन लेने के बाद भी आपको कुछ खास आराम नहीं मिल रहा है, तो एक सोनोग्राफी जरूर करवाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कहीं यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई आपको किसी बीमारी की वजह से तो पीरियड्स में पेन ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर पीरियड्स के पेन में आप राहत चाहते हैं तो हॉट वाटर काफ़ी यूज़फुल होता है। गर्म पानी पीने से पीरियड्स के पेन में काफ़ी दर्द में आराम मिलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो कोलोफाइलम 30 मैक्सफॉस 6X उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आपको पेन ब्लीडिंग से रिलीव होता है। जब आपकी ब्लीडिंग हो रही है तब तो आपको पेन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप होती है आपका पेन वापस बढ़ जाता है, और इस समय जो ब्लीडिंग का कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। अगर ये सिम्टम्स आपके मिलते हैं तो कोलोफॉलम 30 और मैकफोस 6X अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी मात्रा में रिलीफ मिलेगा। कोलोफॉलम जो है उसकी 2 बूंद दिन में 3 बार लें, और अगर पेन ज़्यादा है तो दिन में 2 बार रिपीट करें, हर 2 घंटे में रिपीट करें। और मैकफोस 6X जो है उसकी आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं, गर्म पानी में भी ले सकते हैं। गर्म पानी इसकी ताकत को और बढ़ा देता है, और अगर पेन ज़्यादा है तो आप इसको भी कोलोफॉलम के साथ हर 2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। मैकफोस 6X के अलावा जो मैकफोस 200 मेडिसिन है वो भी पीरियड्स के पेन में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर की होती है, ब्लीडिंग होने से पेन में दर्द में कमी आती है, गर्म एप्लीकेशन से आपको पेन में रिलीफ मिलता है, साथ ही हल्का सा प्रेशर भी आपको अच्छा आराम देता है। ब्लीडिंग के स्टॉप होते ही पेन बढ़ जाता है, लेकिन पेन का अगर कैरेक्टर आपको स्पेशली देखने को मिलता है तो आप मैकफोस 200 लें, कोलोफाइलम 30 और मैकफोस 6X ना लें। इसमें जो पेन होता है वो क्रैम्प्स लाइक होता है और एक जगह से दूसरी जगह पे तेज़ी से जाता हुआ महसूस होता है। बेलाडोना 30 की अगर हम बात करें तो इसमें जो पेन होता है वो अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है। फेस एकदम लाल और गर्म महसूस होता है। जो पेन होता है वो हल्के से झटके से और हल्का सा भी टच करते हैं तो पेन बढ़ जाता है, लेकिन हल्का सा अगर प्रेशर दें तो पेन में रिलीफ मिलता है। अगर इस तरह की कंडीशन है, साथ में फीवर भी है, तो आप बेलाडोना 30 2 बूंद हर 2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, और आराम आने के बाद दिन में 3 बार रिपीट करें। इसके अलावा कैमोमिला 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन है जब पीरियड्स में आपको पेन गुस्से के साथ हो रहा है, साथ ही हल्का सा भी अगर गर्म एप्लीकेशन है तो आपका पेन बढ़ जाता है और मोशन से, यानी कि आपको हिलने डुलने से आराम महसूस होता है। सिमिसी फ्यूगा 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जब ब्लीडिंग के बढ़ने के साथ पेन भी बढ़ रहा है, और कोक्युलस 30 उस समय बहुत अच्छा काम करती है जब मेंसेस का पेन नोज़िया और वॉमिटिंग के साथ हो रहा है। इनमें से जिस भी मेडिसिन से आपके जो सिम्टम्स हैं वो मिल रहे हैं वो मेडिसिन सेलेक्ट करें, उसे 2 बूंद 4 ग्लोबुल्स या 4 ग्लोबुल्स दिन में 3 बार ले सकते हैं, और अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप इसे हर 2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से किसी भी मेडिसिन का रिपीटेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको दिन में 3 बार से रिलीफ मिल रहा है तो आप इसे दिन में 3 बार लेकर ही स्टॉप कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स मैं आपको बता रही हूँ ये मेडिसिन्स आपको पूरे महीने नहीं लेनी है, सिर्फ उसी समय लेनी है जबकि आपको पेन हो रहा है पीरियड्स के समय। डायोस्कोरिया 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जब आगे पीछे की तरफ मुड़ने से आपको पेन में रिलीफ मिलता है। कोलोसिन 30 जब ऐसा दर्द हो कि आप जोर से
पेट पकड़ कर बैठे हैं और उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है, उसके अलावा किसी भी चीज़ से आराम नहीं पड़ रहा है, तो कोलोसिन 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं आप सिम्टम के अनुसार। विब्रोनम ओप्यूलस क्यू उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जब आपके मेंसेस हमेशा ही पेनफुल रहते हैं, साथ ही वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा होता है, वो भी जलन करने वाला होता है। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी है तो 10 बूंद आधा कप पानी में आप पीरियड्स आने के बाद जब आपको दर्द महसूस हो रहा है तब हर आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं, और आराम होने पर आप इसे हर 4 घंटे 5 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।